रही जब उनका सरकार रहा घर घर गल्ला मिलता रहा मेरा रूम का महामाया मिलता रहा जब से उनका सरकार आई तब तो गल्ला बंद हो गया महामाया बंद हो गया कुल बंद महामाया योजना बंद बंद साहब जब से उनका सरकार आई तब ऐसे मरे काहे के लिए वोट दे तो इनके वोट देबू अब के ना देबे जो चुनाव होता है वो मशीने से हो चाहिए या मोहर वाले से अनबैलेट पेपर हो चाहिए बैलेट पेपर हाँ बैलेट पेपर से हाँ अनबैलेट पेपर हो चाहिए और ईवीएम मशीन से नहीं नहीं मशीन से नहीं मशीन से का दिक्कत मशीन से घपला होता है चुनाव आवता है लोकसभा 2024 तो के वोट डलबू इस बार किसके वोट दा जब कुछ कुछ सुविधा नहीं मिलता किसको वोट दे नहीं देगी किसी को नहीं देगी ये बताइए आज लकड़ी बीन रही थी आप लोग सड़क के किनारे हमने देखा किस लिए बीन रही है का करे जब चूल्हा गैस वैस नहीं दे तो मैंने लकड़ी में बनावत बा लड़का जी आवत है खवावत है गैस नहीं मिली आपको नहीं मिली बतावा तू लकड़ी बीना था और सरकार घर घर गैस बांटती है तो गैस नहीं मिला है गैस नहीं मिला नहीं गल्ला पावत रहे गल्ला कटौती हो गए गल्ला नहीं मिलता हमारे नाम से गल्ला नहीं मिला नहीं नहीं मिलता है गल्ला जो चुनावा होता है वो मशीने से होता है बटन दबावे वाला और एक मोहर वाला होता रहा बैलेट पेपर बोलत रहे तो मोहर वाले से हो चाहिए या मशीने से मशीन से नहीं ठीक है मशीन से नहीं ठीक है कहे नहीं 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 ठीक है कहे माई नहीं ठीक है का दिक्कत बा मशीन बहुत दिक्कत है जिसको चाहे उसको नहीं दे दे तो पौता ही नहीं है सरकार कह रही है घर घर गैस पहुंचा दी आप लोग झूठ बोल रही हैं गैस आइए नहीं बा झूठ होते मैंने लकड़ी हाँ। कोरी क्या क्या कह रही हैं लकड़ी भी नहीं थम पते झूठ अगर बोली तब आए लगे के सुविधा रहे तो मैं बाहरे भागे भीतर में तो रहे खाए बनाए गैस पे खाए बनाए गल्ला पानी मिला पैसा मिला पैसा वो बंद हो गया नहीं मिलता तो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आरके निषाद और स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक News24 में दोस्तों बता दें कि आज हम एक रास्ते से होते हुए कौंधियारा जा रहे थे जिसमें कि सड़क के किनारे हमारी नज़र पड़ी कुछ महिलाएं थी कुछ हमारी माताएं बहनें थी जो लकड़ी बीनने का काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं हम वहीं पर रुक गए और रुक कर जानने का प्रयास करने लगे कि आखिर ये लोग लकड़ी बीन रहे हैं वहीं पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरण कर रही है क्या इन लोगों को गैस मिली है नहीं मिली। क्या फिर इन लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है या फिर नहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही ईवीएम मशीन पर भी चर्चा करेंगे कि ईवीएम मशीन से वोट पड़नी चाहिए या फिर मोहर यानी कि बैलेट पेपर से उस पर भी बातचीत करेंगे आइए इन लोगों से देर नहीं करते बातचीत करते हैं ये लोग लकड़ी बीन रही थी का नाम हुआ माई का नाम बा तोहार आवा इधर आवा 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 गेंदा का नाम बा गेंदा लकड़ी बीनत रहू गैस नहीं बका नहीं गैस नहीं बका रे ऐसे आवा काहे भागत हो डरात हो इधर आवा देखिए गांव की महिलाएं हैं पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी बेबस हैं लाचार हैं लेकिन अब इसको क्या कहेंगे ये एक माता जी आगे आए माता जी थोड़ा सा क्या नाम हुआ आपका निर्मला देवी लकड़ी बीन रही थी हाँ लकड़ी बीन रही हूँ अच्छा गैस वैस नहीं है क्या नहीं गैस नहीं मिली है अच्छा इधर देखें थोड़ा सा कैमरा में देख लीजिए साहब तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने वालों जरा एक बार इन गरीब मजलूम बेसहाय महिलाओं पर नजर डालिए जहाँ पर एक तरफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है वहीं पर अगर ग्रामीण स्तर पर निकल कर देखा जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो इस वक्त आप हमारे साथ देख पा रहे हैं ये लकड़ी का गट्ठर बांधे ये लोग जो है घर जाने के लिए तैयार हैं तो ये बताइए माता जी गैस वैस नहीं मिली अभी नहीं मिली है अरे सरकार तो कह रही है कि सबको घर घर उज्जवला नहीं सर हमको नहीं दिया है बोलते बोलते हैं कि तुम्हारे आदमी के नाम से कनेक्शन है तुमको गैस नहीं मिली आवास आवास मिला है नहीं आवास तो मिला है घर मिला है हाँ घर अच्छा राशन भी ना राशन नहीं मिलता राशन नहीं मिलता नहीं अरे सरकार कहती है कि 5 किलो राशन सबको बांट रही है नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता लॉकडाउन में लगा मिला अच्छा ये बतावा इधर आ जाता नहीं के और आगे आवा तो डरा ना ये बतावा कि चुनाव आवता है लोकसभा 2024 तो के वोट डलबू इस बार किसके वोट दा जब कुछ कुछ सुविधा नहीं मिलता किसको वोट दे नहीं देगी किसी को नहीं देंगी वोट नहीं दोगे नहीं देंगी जब कुछ नहीं मिल रहा है तो काहे के लिए वोट दे
के लिए वोट दें, किसको वोट दें? अच्छा, यानी कि लाभ नहीं मिले तो वोट ना दे? नहीं ना दे, लाभ कौन लाभ ही नहीं, तो के ना देबू वोट, तनिक बताओ केहू को ना दे, केहू को ना दे, मोदी को वोट ना देबो? जब मोदी को देना है तो काहे दे? अरे मोदी तो कहा था सबके उज्ज्वला गैस, 5 किलो राशन और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बनाए। गल्ला वल्ला कुछ नहीं मिलता? हाँ, कुछ नहीं मिलता, चाहे चल के आप कोटा पर पता कर लीजिए। अच्छा एक बात ही बतावा कि जो चुनाव होता है वो मशीने से हो चाहिए या मोहर वाले से? अनबैलेट पेपर हो चाहिए। बैलेट पेपर? हाँ बैलेट पेपर से। हाँ अनबैलेट पेपर हो चाहिए। और ईवीएम मशीन से नहीं? नहीं मशीन से नहीं। मशीन से का दिक्कत? बस मशीन से अब जान दिक्कत है तो भाई ये है। हाँ है तनिक बताए, जब जाना चाहता है बताए दे का दिक्कत बा मशीन से? मशीन से घपला होता है? घपला होता है? कैसे पता चला तो है कि मशीन से घपला होता? अरे मशीन से ऐसे घपला होता। देखिए ये है गांव की गरीब बेसहारा असहाय महिलाएं जो सरकार की योजनाओं को परिलक्षित कर रही। इधर आए माता जी, इधर आए। ये देखिए एक क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। रानी देवी, ये बताइए आज लकड़ी बीन रही थी आप लोग सड़क के किनारे, हमने देखा, किस लिए बीन रही है? का करे जब चूल्हा गैस वैस नहीं दे है तो मैंने लकड़ी में बनावत व लड़का जी आवत है खवावत है। गैस नहीं मिली आपको? नहीं मिली है। अरे सरकार तो बड़े बड़े ढिंढोरे पीटती है कि हर घर जो है उज्ज्वला गैस योजना पहुंचे, महिलाओं को जो है धुआं से सुरक्षित करने के लिए उन्होंने घर घर गैस पहुंचाया, आप कह रहे हैं आपको गैस ही नहीं मिली? आदमी बाहर है तो गैस सिलेंडर हुआ पाए हुआ अपन कनेक्शन गरीब मन कराई ले कभी कभी न तरह से तो चार लड़का जी आवे क्यों करे? राशन मिल रहा है? हाँ राशन तो मिल रहा है। 5 किलो हो जाता है? नहीं कहाँ हो, छठ लड़का है। 6 लड़का है? हाँ। तो 5 किलो राशन में हो नहीं पाता? नहीं हो पाता, जब हम खेती किसानी करते हैं ऐसे वो लेते हैं अधिया सजिया, खेतों बारी नहीं बाकी हुए गरीब। खेती बारी भी नहीं? नहीं खेती बारी कुछ नहीं भाई। पति क्या करते हैं? करते हैं ऐसे जो मटिया महीन काम लगता है वही ईटा गारा करते हैं, बनी मजूरी करते हैं, और कौन ऐसे नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। 2-3, 5-6 लड़का है, छठे अब गरीब मनाई कैसे का करें? अच्छा बताओ। अच्छा ये बताइए लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, तो इस बार किसको वोट देने वाली है? अरे जैसे सब दही वैसे हम रहा और का भाई गरीब मनाई तो है के देबू तनिक कुछ बताए दे अंदाजा। अब जेका जैसे सब दे वैसे हम दे, अब मोदी तो बिल्कुल ऐसे ना दे, जब हम कुछ दे नहीं है तो हम पे देवे ना कर, वोट ना दे ना दे भाई। अच्छा ये बतावा एक बात पूछे कर रहा कि जौन चुनाव होता है ईवीएम मशीन से और एक चुनाव पहले होता रहा बैलेट पेपर से, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो चाहे या ईवीएम मशीन से? अबे हम पढ़े लिखे नहीं पता बैलेट के का थे के का उका थे। पर्चा वाला मोहर वाला सही रहा था कि मशीने वाला? अरे पर्चा ही वाला सही रहा, अनपढ़ मनाई पढ़ उही पदाई दे भाई और का करे। पर्चा वाला सही रहता, पर्चा मशीन वाला नहीं सही रहता? मशीन से का दिक्कत है? दिक्कत रहे अब जैसे हो जैसे सब बदल देते वैसे वो बदल जाए और का हो, मशीन बदल जाती है और का हो। तो क्या कहना चाहेंगी सरकार से जो आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी? हमको जो गैस दई दे एकाख दई दे रहाई के दई दे इंतजाम कई दे तनी खेती किसानी के जौन ये सब मजदूरी कई रहा है गरीब मनई वो सब दूर करें। आवास नहीं मिला आपको? आवास नहीं मिला बा। दोस्तों ये वो महिलाएं हैं गांव देहात की जिनको ना तो आवास मिला है ना तो उज्ज्वला गैस मिली है और ना किसी भी तरह कोई सरकारी योजना मिली है, और इनकी राय क्या है, इनकी बेबसी आप सुन पा रहे होंगे तस्वीरों में। एक माता जी और हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। इधर आवा माई, इधर आवा आवा। एक माता जी और थोड़ा सा गुस्से में लग रही थी। का नाम हुआ माई? कमला। ये बतावा तू लकड़ी भी ना था और सरकार घर घर गैस बांटती है तो गैस नहीं मिला है? गैस नहीं मिला? नहीं गल्ला पावत रहे गल्लो कटौती हो गए गल्लो नहीं मिलता हमारे नाम से। गल्ला नहीं मिला? नहीं नहीं मिलता है गल्ला, न गल्ला मिले न गैस। लॉकडाउन लगा है तब से बंद है हमारा गल्ला। हाँ सरकार तो कह रही कि हर घर गैस योजना उज्ज्वला योजना हर घर पहुंचे, आप करें गैस? नहीं नहीं मिला है गल्ला नहीं बंद है। घर और मिला है? नहीं मिला है कुछ नहीं मिला। पन्नी लगा के तनमो तान के है घर में। अच्छा यानी घर मिला नहीं है खाली वैसे रहते हैं? हाँ हाँ से। जमीन उमीन है? हाँ है जमीन थोड़ी बहुत, ताओ थोड़ा बहुत है। तो कहा कहे चाहबू माई जे देखा था तो उनसे कहा बताऊबू? हमें कुछ नहीं मिला है खाने के, कुछ नहीं मिल रहा है तो कहा कही हो? सरकार तो कह रही कि राशन दे रहे हैं सबको, सब खुशहाल हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। न तो वोट के देबू आपकी?
अब कोई के न देव साहब हमारा गुस्सा है न राशन जौन मिलत रहा दुई धारा हुआ पर कटौती हो गया न गैस पावत है न कलोनी मिलत पा कुछ नहीं मिल रहा है हमारे नाम से। बताओ माई जौन चुनावा होता है वो मशीने से होता है बटन दबावे वाला और एक मोहर वाला होता रहा बैलेट पेपर बोलत रहे तो मोहर वाले से हो चाहिए मशीने से? मशीन से नहीं ठीक है, मशीन से नहीं ठीक है कहे? नहीं 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 ठीक है कहे माई? नहीं ठीक है। का दिक्कत बा मशीन? बहुत दिक्कत है, जिसको चाहे उसको नहीं दे तो पौता ही नहीं है। सुन लीजिए दोस्तों, ये गांव की माता जी हैं, ये कह रही कि जिसको हम वोट देना चाहते हैं उसको वोट मिलता ही नहीं है। नहीं मिल रहा है तो के दे चाहत हो तो नहीं बता? जो हमको नहीं लाभ मिला है तो अब ना किसी को ना देगा, हमें वोट देंगे ही नहीं। नहीं जब हमको मिलेगा रहने के पानी बरसत है चुआई लागत कुल घर का कितना सामान हटाए ओढ़ना लत्ता सब बीत जाता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे आएंगे कुछ महिलाएं, इनसे भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे क्योंकि समय का अभाव। क्या नाम हुआ माता जी? क्या नाम हुआ आपका? हमारा शीला नाम है। गैस हाउस मिली है? गैस हाउस मिली है? गैस कहाँ मिली बा? हम थे गैस हाउस मिले नहीं, हमारे पर चिकना मिला बा, सब लकड़ी बीन बीन के ऊपरी लकड़ी सब खाना गाय गोरु मोल खरीदे मने यहाँ तक गेहूँ चावल सब मोल मने खरीद ऊपरी हो गया सब वही गाय भैंस रखे हुए मने अपने से ऊपरी पाथे अपने से वो कुछ नहीं ना गैस ना पाए से तो के वोट दे बू अब के का बताए के का मने दे जो ने पैसा दे पे हमहु दे भाई अब के का मने दे केहू के ना दे जब कोई इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए। देखिए ये गांव क्षेत्र की महिलाएं, का नाम हुआ? रेखा। बताओ काहे नाराज हो कि वोट न दे? क्यों काहे दे मना न दे वोट और का कौन चीज इतना ही बात है? अरे सरकार तो कह रही कि उज्ज्वला गैस और तमाम योजना जो कुछ मिलता ही नहीं तो का कहे मना है? मनाई तो दे ही था गरीबे के सहारा दे। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। झूठ नहीं, सही कहा था, झूठ कहूँ मन बाल बच्चे बना झूठ नहीं बोल रहे हैं। सरकार कह रही है घर घर गैस पहुँचा दी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। गैस सही नहीं बा, झूठ है तो मनाई लगा। क्या क्या कह रही है? लकड़ी भी नहीं थम पते झूठ अगर बोली तब आए लगे क्योंकि सुखधर है तो मैं बाहर भागे भीतर में तो रहे खाए बनाए गैसे पे खाए बनाए गल्ला पानी मिला पैसा मिला पैसा और वो बंद हो गया नहीं मिलता कुछ नहीं मिला तो बात है हम 4000 रुपया मिला। सरकार तो कह रही है कि तमाम योजना सरकार देते मन अमीर ही रहता गरीब न रहता लकड़ी परी खुले देश में बहरे न भागे घर में नहीं बैठा रहा। सुविधा हो जाए तो मनाई बहरे भागे जंगल में जाए घामे घामे फटफटाई जाए। देखा लगा जंगल में नहीं जाता है। तू ही बतावा तो से एक बात पूछा चाहती कि जो चुनाव होता है वो मशीने से हो चाहिए कि पर्चा वाले से? अब हमें का पता का हम पे पढ़े लिखे नहीं आई अगर हम पर्चा में हो तो मशीने से हो हमें का पता जो सब देते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इधर इधर आइए इधर आइए। हाँ क्या कह रहे हैं? मायावती का राज रही जब उनका सरकार रहा घर घर गल्ला मिलता रहा मेरा रूम का महामाया मिलता रहा जब से उनका सरकार आई तब तक गल्ला बंद हो गया महामाया बंद हो गया कुल बंद महामाया योजना बंद बंद साहब जब से उनका सरकार आई तब वैसे मरे कहे के लिए वोट दी? तो इनके वोट देबू अब की ना? देबे ना देबे ना देबे कहे के देंगे? हाँ ना दे कुछ ना मिलता कहे के दे? हाँ चलिए दोस्तों बस जो सरकार देवे के सब खुशी रहे सब खुशी से मनाई सब दे मोदी दे या जेका दे जब पर सब मोदी की दे रहा वो हम पे खुद दे रहे। चलिए दोस्तों बता दे कि हम जा रहे थे तो सड़क के किनारे हमने देखा कुछ महिलाएं जो है लकड़ी चुनने का काम कर रही थी तो थोड़ा सा ठहर कर हमने उनसे उनकी हाल और उनकी व्यथा जानने की कोशिश की। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से ये महिलाएं बेबस और लाचार जो कि गांव देहात से आती हैं और बेचारी जो है लकड़ी बीन कर अपना जीवन यापन करने का काम करती हैं, घर में जो है भोजन पकाने का काम करती हैं, वहीं पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उज्ज्वला योजना घर घर पहुंच गई, राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास मिला है, लेकिन अभी इन लोगों ने क्या बताया आप लोगों ने सुना। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।